अब आप एथर 450X इलेक्ट्रिक स्कूटर को 1 लाख के प्राइस में भी खरीद सकते हैं। कैसे खरीद सकते हैं? क्योंकि कंपनी ने इसका लोअर वेरिएंट लॉन्च किया है, यानी कि बेस मॉडल लॉन्च किया है, जहां पे आपको फीचर्स थोड़े से कम मिलेंगे इसके टॉप मॉडल से। तो इसके बेस मॉडल और टॉप मॉडल में कितना अंतर आपको देखने को मिल जाता है, कौन कौन से जो फीचर्स हैं टॉप मॉडल में मिलते हैं जो कि बेस वेरिएंट में आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो टॉप मॉडल है वो प्रो पैक के साथ आती है। उस प्रो पैक का जो प्राइस है लगभग 30,000 रुपए तक है, यानी कि बेस वेरिएंट और टॉप मॉडल के प्राइस में लगभग 30,000 रुपए का आपको फर्क देखने को मिल जाएगा। तो फर्क क्यों देखने को मिलता है, कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो हमारे साथ इस वीडियो में पूरा बने रहिएगा, नहीं तो आपको डिफरेंस समझ में नहीं आएगा दोनों मॉडल्स में। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल परिवार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। यहाँ पर सबसे पहले अगर कलर ऑप्शन की अगर बात करें, तो अगर आप कोई मॉडल लेते हैं, बेस मॉडल लेते हैं या फिर टॉप मॉडल लेते हैं, यहाँ पे आपको टोटल 6 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, जहाँ पे स्पेस ग्रे, स्टील व्हाइट, साल्ट ग्रीन, ट्रू रेड, कॉस्मिक ब्लैक और लूनर ग्रे मिल जाती है। तो दोनों मॉडल में आपको 6-6 कलर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। बाकी जो दोनों में आपको मोटर पावर मिलती है वो भी बिल्कुल सेम है, दोनों में आपको PMSM मोटर मिल जाता है, जो कि 6.4 किलोवाट का पावर 26 NM का टॉर्क जनरेट करती है। तो ये दोनों मॉडल्स 0-40 KMPH तक रफ्तार 3.3 सेकंड पकड़ लेती है। दोनों की जो टॉप स्पीड है वो भी बिल्कुल सेम है 90 KMPH तक। तो यहाँ पे आपको अंतर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो राइडिंग मोड्स हैं वो आपको इसके प्रो वेरिएंट में आपको वहाँ पे आपको 5 राइडिंग मोड मिल जाते हैं, जहाँ पे रैप, स्पोर्ट, राइड, इको और स्मार्ट इको मिल जाता है। लेकिन जो इसका बेस मॉडल है यहाँ पे राइडिंग मोड हटा दिया गया है, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा आपको अंतर मिल जाएगा। लेकिन वही बैटरी की अगर बात करें, तो बैटरी कैपेसिटी भी दोनों में बिल्कुल सेम दी गई है। इसमें आपको 3.7 किलोवाट आवर की लिथियम आयन फिक्स बैटरी मिल जाती है, जो कि IP67 रेटिंग के साथ आती है। तो बैटरी में कोई भी डिफरेंस नहीं है, लेकिन जो चार्जिंग टाइम है यहाँ पे आपको अंतर देखने को मिल जाएगा। जो बेस मॉडल है इसकी बैटरी 0-100% चार्ज होने में 15 hours 20 minutes का समय लेगी, यानी कि 15 घंटा 20 मिनट में ये फुल चार्ज होगी। लेकिन जो इसका टॉप मॉडल है उसकी बैटरी थोड़ी सी फास्ट चार्ज होती है, 5 hours 40 minutes में फुल चार्ज हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको चार्जिंग में थोड़ा सा अंतर देखने को मिल जाता है, बेस मॉडल थोड़ा सा स्लो चार्ज होती है। बाकी जो रेंज है वो आपको दोनों में सिमिलर मिलेगा, 146 किलोमीटर पर चार्ज की IDC रेंज है। लेकिन जो ट्रू रेंज है वो आपको 105 किलोमीटर पर चार्ज की मिलेगी। तो रेंज में आपको कोई भी अंतर देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा अगर टायर साइज की बात करें, तो टायर साइज भी बिल्कुल दोनों में सेम है। फ्रंट के साइड 90x90 का 12 इंच ट्यूबलेस टायर और रियर में 100x80 का 12 इंच का ट्यूबलेस टायर भी दिया गया है। टायर साइज में कोई अंतर नहीं है। ब्रेकिंग सिस्टम भी दोनों में सिमिलर है, फ्रंट में आपको 200 और रियर में 190 का डिस्क ब्रेक मिल जाएगा, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम के साथ आती है। इसके अलावा सस्पेंशन सेटअप भी दोनों में बिल्कुल सेम है, फ्रंट के साइड आपको टेलीस्कोपिक और रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको अंतर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो फीचर्स है यहाँ पे आपको थोड़े बहुत अंतर देखने को मिल जाएंगे। जो फीचर्स पहले कॉमन है उसकी बात कर लेते हैं, तो दोनों में आपको LED हेडलैम्प, LED टेल लैम्प, LED टर्न इंडिकेटर लाइट मिल जाएगा, साइड एशियन सेंसर दोनों में दिया गया है, 22 लीटर का बूट स्पेस भी दिया गया है। लेकिन जो पार्क असिस्ट और हील होल्ड का फीचर है ये केवल इसके टॉप मॉडल मिलेगा, बेस मॉडल में नहीं मिलेगा। इसके साथ ही आपको दोनों में 7 इंच का डिस्प्ले भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का फीचर है, डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं, ये सारे जो फीचर्स हैं ये केवल आपको इसके टॉप मॉडल मिलेगा, बेस मॉडल में ये सारी चीज नहीं दी गई है। यहाँ पे देख सकते हैं ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, म्यूजिक कॉल, डॉक्यूमेंट सेव करना और मल्टीपल जो कलर आपको डिस्प्ले मिलता है ये केवल इसके टॉप मॉडल मिलेगा। बेस मॉडल में ग्रे स्केल पे आपको केवल इसका थोड़े बहुत जो इन्फॉर्मेशन वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये आपको अंतर मिल जाता है। इसके अलावा जो कनेक्टेड फीचर है ऐप के जरिए, जो कनेक्टेड फीचर है ये केवल आपको टॉप मॉडल में देखने को मिलेगा, बेस मॉडल में ये सारे फीचर्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे लिस्ट आप देख सकते हैं। इसके अलावा इसका वारंटी की बात करें, तो वारंटी बिल्कुल आपको सेम मिल जाता है। व्हीकल चार्जर पे आपको 3 इयर्स या फिर 30,000 किलोमीटर, लेकिन बैटरी पे 3 इयर्स 30,000 किलोमीटर बेस वेरिएंट मिलेगा। टॉप मॉडल में आपको 5 इयर्स 60,000 किलोमीटर पे आपको वारंटी दी जा रही है। तो वारंटी में बैटरी पे थोड़ा सा आपको अंतर मिल जाता है। इसके अलावा इनके जो डायमेंशंस हैं ये भी बिल्कुल सेम है, यहाँ पे कोई भी आपको अंतर देखने को नहीं मिलेगा। तो जितने भी डिफरेंस है मैंने आपको बता दिए हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जो फीचर्स वाले पार्ट है वहीं पे आपको ज्यादा डिफरेंस मिल जाता है। लेकिन इसके अलावा जो चार्जिंग है वो फास्ट चार्जिंग आपको वो टॉप मॉडल में आपको देखने को मिलेगी, बेस मॉडल में वो आपको देखने को नहीं मिलती है। तो यही आपको अंतर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा इनके प्राइसिंग की बात करें कि प्राइस में कितना आपको अंतर देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पे मैं आपको न्यू दिल्ली का प्राइस बताता हूँ। तो बेस मॉडल के साथ इसके जो एक्स रूम प्राइस है 98,079 यानी कि 98,079 रुपए तक है, जो कि इसके टॉप मॉडल यानी कि प्रो वेरियंट के साथ इसकी प्राइस 128,443 यानी कि 1,28,443 रुपए तक है। तो यहाँ पे प्राइस में आप डिफरेंस देख सकते हैं, केवल इसका प्रो पैक लेने की वजह से इसकी प्राइस बढ़ रही है। और ये दिल्ली का प्राइस है, वहाँ पे आपको स्टेट सब्सिडी भी मिल जाता है 18,000 का, बाकी फेम 2 सब्सिडी भी मिल जाता है। ऑन स्टेट में हो सकता है कि प्राइस आपको थोड़ा सा कम ज्यादा देखने को मिले, लेकिन अब आपको दो मॉडल के साथ मिल जाएगी, जिसमें बेस मॉडल और टॉप मॉडल है। और जो 450 प्लस मिलता था उसको शायद कंपनी ने डिसकंटिन्यू भी कर दिया है।
तो अब आपको एथर एक अफोर्डेबल प्राइस पे भी मिल जाएगी, जिनको फीचर से ज़्यादा मतलब नहीं है, केवल उनको स्कूटर से मतलब है, जिसमें आपको रेंज बढ़िया मिले, बढ़िया प्रीमियम लुक दे, उनके लिए कंपनी ने इसको एक अफोर्डेबल प्राइस पे लॉन्च किया है। तो अब एथर हर कोई खरीद सकता है, क्योंकि इसके प्राइस पहले काफ़ी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से लोग इसे खरीद नहीं पा रहे थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको बेस मॉडल के साथ जाना चाहिए या फिर टॉप मॉडल के साथ जाना चाहिए। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।